अब ये देखिए हम अगला करते हैं, गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वी आर डूइंग द रूल ऑफ मॉडिफिकेशन। मसलन अब नेक्स्ट है, मैं बोलता हूँ डिड यू सी द फिल्म अबाउट द फाइव ऑन द बोट ऑन टीवी। अब दोबारा बोलता हूँ मैं, गौर से सुनिएगा। डिड यू सी द फिल्म अबाउट द फाइव ऑन द बोट ऑन टीवी। अब बताएं राशिद, आप बोलो बेटे, शाबाश। अब मैं काफी समझा चुका हूँ आपको, अब बोलिएगा। जी 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 बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश। अब सुने, अब फिर सारे लोग सुने। यानी क्वेश्चन ये था, डिड यू सी द फिल्म अबाउट द फाइव ऑन द बोट ऑन टीवी, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको किस तरह करेक्ट करेंगे मैं बोलता हूं। डिड यू सी द फिल्म ऑन टेलीविजन, इज दैट क्लियर? डिड यू सी द फिल्म ऑन टेलीविजन अबाउट फाइव ऑन द बोट, इस तरह आपने करेक्ट करना है। मैं फिर वो भाई फिर करता हूं, आप गौर नहीं करते, ध्यान से तो जल्द सुने। गलत ये है, गौर से सुनिएगा। डिड यू सी द फिल्म अबाउट द फाइव ऑन द बोट ऑन टीवी, ठीक है? ये मिसप्लेस मॉडिफायर है, इसको डैंगलिंग मॉडिफायर भी कह सकते हैं। रूल मैंने पहले आपको बता दिया है, अब गौर से कीजिएगा। अब इसको हम करते हैं, किस तरह करेंगे? डिड यू सी द फिल्म, अब अबाउट नहीं लिखेंगे, जो चीज मॉडिफाई कर रही है जो वो उसके क्लोज होनी चाहिए। डिड यू सी द फिल्म ऑन टेलीविजन अबाउट फाइव ऑन द बोट, ये है। आगे चले, सो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटे, गौर से सुनिएगा। इफ यू ट्राई टू टेक इंटरेस्ट आई मीन दैट ऑफ ए यू नो वन थिंग इज ऑब्वियस दैट यू शुड ट्राई टू टेक इंटरेस्ट। इफ यू टेक इंटरेस्ट देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। और अगला है,